अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 15th ऑफ नवंबर 2023 एंड इट इज वेनसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के इसी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही। आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 56,680 की, तकरीबन 14 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। 306.791 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। मार्केट के मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट जो है वो थोड़ी सी आज जिगजैग जो है वो छोटे से बैंड के अंदर जो है वो मूव करते रहे। मार्केट के लो की बात करते हैं, 56,433 का मार्केट ने लो लगाया और 56,846 का मार्केट ने आज के दिन जो है वो हाई लगाया। आज के वॉल्यूम लीडर्स में WTL, PRL, SNGP, सिनर्जी और यूनिटी फूड जो है वो शामिल है। ये इसके अलावा जो है आज की कैंडल्स की बात कर लेते हैं कि कैंडल की आज क्या पोजीशन रही है मार्केट की। तो छोटी सी कैंडल है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है। तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही है, शायद जो पीछे से इतना बड़ी करेक्शन जो है ना अप ट्रेंड चला मार्केट का, उसके बाद जैसे कल भी मैं आपसे अर्ज कर चुका था के मार्केट जैसे यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन की, यहाँ पर मार्केट ने करेक्शन की, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन की, फिर यहाँ पर आप करेक्शन कर लिया। तो ये करेक्शन भी हेल्दी करेक्शन होती है, मार्केट के लिए अच्छी है। डेंजरस क्या है मार्केट के लिए, कल भी अर्ज किया था, जैसे मार्केट जब तक 55,644 से मार्केट जब तक ऊपर है तब तक आप लोगों ने जो है वो घबराना नहीं है। ये जी आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे वो ले लेते हैं वन बाय वन। आबिद साहब है लाहौर से, आपने TGL के बारे में पूछा, तारिक ग्लास लिमिटेड के बारे में। तारिक ग्लास का रिव्यू आपने पूछा कि फ्रेश बाई के लिए तारिक ग्लास जो है वो लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल लिया जा सकता है सर तारिक ग्लास को। तारिक ग्लास जो है तकरीबन अपना यहाँ से निकला तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसको लिया जा सकता है। तकरीबन 90 रुपीज़ से लेकर 96 रुपीज़ के दरमियान स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन आप रखें थोड़ा सा नीचे करके 87 रुपीज़ के राउंड अबाउट, तो इस स्टॉप लॉस के साथ जो है इसको लिया जा सकता है। बस ये ख्याल रखा करें कि स्टॉप लॉस को इग्नोर ना करें। जी शुएब साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि GWLC, आपने इसका TP पूछा 20 रुपये 64 पैसे की बाइंग है सर। आज भी मेरा ख्याल है इसको अपर कैप था, कल भी अपर कैप, जो स्टॉक अपर कैप लग रहे होते हैं बैठ जाया करें, सुकून से बेचने की जल्दी ना करें। अभी आपके रेट पर आए, अभी इसको जाने दें, जब ये तकरीबन पहुंच जाए 23.5 रुपये पर फिर आप पूछें इसके बारे में। और इसके अलावा आपने नेट स्टोन के बारे में पूछा, 84 की बाइंग है, ये अपना ब्रेकआउट दे चुका 97 का, फिलहाल आपने इसके अंदर भी स्कूल से बैठ जाना है, जब ये पहुंच जाए 120 रुपये तक फिर आपने पूछना है ये। जी ताहिर अशरफ साहब है काइंडली अपडेट नेट सोल प्रॉफिट, आपने भी यही पूछा सर इसका बता चुका। एवीएन भी आपने लिया हुआ है, एवीएन जो है थोड़ा सा टाइम है अभी एवीएन को, एवीएन अभी निकलेगा यहाँ से तकरीबन 56 रुपीज 57 से इसको क्रॉस करने दें, फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग का आपने सोचना है, अभी बेचना है नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग का सिर्फ सोचना है ये, बाद में प्रॉफिट टेकिंग देखी जाएगी कि कहाँ पर करनी है ये। और आपने 51 का लिया तो बहुत अच्छे रेट पर आपने लिया हुआ है, अब इसकी राइड को आपने इंजॉय करना है। इफ्तिखार साहब है कराची से, आपके पास है कैपको और आपकी बाइंग है 27-27 रुपये की। बिल्कुल सर अभी आपके रेट पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप जैसे कैपको ने यहाँ से चलना शुरू किया था 21 रुपये से और मसलसल ये ऊपर ही जा रहा है, फिलहाल जो है इसको 30 रुपये का लेवल क्रॉस करने दे, और जब ये पहुंच जाएगा कम से कम जो है 32-33 रुपये के करीब करीब 33 के बाद, फिर उसके बाद आप जो है इसको सोचिएगा। और आप कह रहे हैं हाउ मच प्राइस, प्राइस जा सकती है सर जिस तरह ये तेजी से जा रहा है, 21 से 28 रुपये चला गया तो और भी इसके अंदर चांसेस, अभी भी मार्केट जो है काफी बुलिश है ये। जी शकील साहब है कराची से, GGL आपने लिया हुआ है 7.05 रुपये का सर, अभी तो ये आपके रेट पर पैसे तकरीबन ट्रेड कर रही है, तो बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा सब्र करें और इसको तकरीबन थोड़ा और बेहतर होने दें, जब ये पहुंच जाए तकरीबन 13 रुपये के करीब करीब, ठीक है, तो वहां पर अभी 10 रुपये से 13 रुपये के दरमियान आएगा तो फिर आपने इसको कुछ बेचने का सोचना ही है। ANL आपने 8.03 रुपये का लिया हुआ है, ये भी तकरीबन आपके रेट पर ही है और यहाँ पर ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, यहाँ पर आप थोड़ा और इसको एकोमोलेट करें तो ये काफी बेहतर है, ये अभी बेचना नहीं है इसको ये। PSO आपने 145 का लिया हुआ है, PSO ने चलना शुरू किया था 108 रुपये से, अभी थोड़ी सी करेक्शन करने के बाद अब ये फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, ये
तो बेहतर यह है कि फिलहाल जो है आपने इसका थोड़ा सा वेट करना है, पीएसओ को पहुंचने दे तकरीबन 180 रुपीज के राउंड अबाउट, तो फिर आप इसको जो है वो बेचिएगा। ये स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 143 रुपए का है, लेकिन फिलहाल स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। ये आज इश्वाक साहब है कराची से, और जी डी सी के बारे में आपने पूछा कि इसका टीपी और स्टॉप लॉस आपने बताया नहीं कि किस रेट पर लिया हुआ है। 101 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, और जब 111 रुपए तक पहुंचे तो वहां पर आप प्रॉफिट टेकिंग का आप पूछें ये जी। और इसको बाय करने का आप पूछ रहे हैं कि बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय भी किया जा सकता है, और जी डी सी के अंदर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना। ये बिलाल साहब है इस्लामाबाद से, नेटअप आपने लिया हुआ है नेशनल फूड 104 रुपये का, अभी 121 रुपये पर है। नेशनल फूड को आपने होल्ड करके रखना है सर, इसका टीपी आएगा तकरीबन 135 रुपये, फिर उसके बाद 187 रुपये, फिर उसके बाद 196 रुपये, और फिर चल से चल वाला काम होगा। तो आपने इसको बहुत अच्छे रेट पर ले लिया 100 रुपये के करीब करीब, तो आप आराम सुकून से ठंड प्रोग्राम रखे बैठ जाए इसके अंदर, जब ये पहुंच जाए 150-200 रुपये के करीब वहां पर बेचने का सोचिएगा, बेचे ना सिर्फ सोचे वहां पर से। अहमद रजा साहब है सऊदी अरेबिया से, आपके पास है सिनर्जी, आपने लिया हुआ है 4 रुपये 73 पैसे का। बिल्कुल सर, आपने इसको होल्ड रखना है, इसको बेचना नहीं है सिनर्जी को। सिनर्जी अभी जो रिसेंटली देखे 2 रुपये से ये तकरीबन 2.5 रुपये से चलना शुरू हुआ था, 4 रुपये 74 पैसे आपके रेट पर ये पहुंच गया। फिलहाल ये आएगा 4 रुपये 95 पैसे पर, थोड़ी सी यहाँ पर जो है इसकी जो है वो रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद इसका अगला लेवल होगा 5.5 रुपए का, फिर उसके बाद ये काफी तेजी के साथ पहुंच जाएगा 8 रुपए तक। तो 8 रुपए पर आप बेचेंगे तो ज्यादा हेल्दी प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो सबर करके बैठ जाए। सजाद साहब है नौरोवाल से, एनआरएल का आपने पूछा रिव्यू, और क्या करंट लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है सर, ये देख लें यहाँ पर, फिर यहाँ पर करेक्शन, फिर इसी तरह ये ऊपर जा रहा है, इस जो है वो मूविंग एवरेज के साथ ये ऊपर जा रहा है, तो बेहतर ये कि इसको यहाँ पर आप ले लें। स्टॉप लॉस आप इसका रखें तकरीबन 235 रुपए के करीब करीब, और इसको ले लें, अच्छा है यहाँ पर ये। नदीम साहब है, आपने पूछा कि अमरेली आपने लिया हुआ है, अमरेली स्टील 22 रुपए 75 पैसे का, कहाँ पर आपने बेचना है। सर यहाँ पर तो ये कंसोलिडेट हो रहा है, इसको ब्रेकआउट देने दे तकरीबन 25 रुपए का, तो फिर आप बेचने का सोचिएगा तकरीबन जब ये पहुंच जाएगा 35 रुपए से ऊपर ऊपर। इसी तरह इंटरनेशनल स्टील आपने लिया हुआ है, अभी सर आपके रेट से नीचे है, इसको भी अभी जल्दी ना करें बेचने में, ये भी तकरीबन 89 रुपए का स्टॉक है, तो यहाँ पर आपने अच्छे रेट पर ले लिया इसको। ये इमरान खान साहब है, आपने लिया हुआ है एलपीएल, 50% टीपी किया है, और आज जो है आज भी अच्छा परफॉर्म किया है। सर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर आप क्यों बेच रहे हैं इसको, जाने दें, फिर ये जा रहा है मुसलसल ऊपर, तो इसको जाने दें। जब ये पहुंच जाए ऊपर के लेवल पर तकरीबन इस मूविंग एवरेज के पास 26-27 रुपये पर पहुंच जाए, तो फिर आप इसको बेचने का सोचें। टीआरजी शॉर्ट टर्म में आपने पूछा हुआ, शॉर्ट टर्म में टीआरजी का जो प्रॉफिट टेकिंग है वो 88 रुपीज आई। आज यासिफ साहब है रावलपिंडी से, आपने लिया हुआ है डबल जी एल, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इस रेट पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है बिल्कुल, जब तक ये 8 रुपए से 12 रुपए के दरमियान है, इसको बिल्कुल लिया जा सकता है, प्रॉब्लम इसके अंदर कोई नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पर ये काफी बेहतर भी लग रहा है। ये थोड़ा सब्र करना पड़ेगा फिर आपको जी। अबरार साहब है फैसलाबाद से, नेट सोल आपने बाई किया हुआ है करंट रेट पर, और इसको जो है कहाँ पर नेट सोल यहाँ पर मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, और यहाँ पर तकरीबन ये अपना ब्रेकआउट दे चुका है, तो लिया है अगर आपने तो इसको सबर करें, जब ये निकल जाएगा 121 रुपए से ऊपर ऊपर, तो फिर इसका बेचने का जो है वो देखेंगे कहाँ पर बेचना है फिर आपने ये। जी नईम साहब है कराची से, आपने लिया हुआ है सरल, नीचे मिल सकता है, सरल नीचे मिल सकता है, क्या मतलब सर, सरल को आप नीचे के रेट पर लेना चाहते हैं। फिलहाल ट्रेड कर रहा है सरल, तकरीबन पहुंच चुका है ये 53, तो यहाँ पर ये काफी अट्रैक्टिव है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर तो आप ले सकते हैं इसको ये। बाकी आपने पूछा कि PICT में बाइंग कर सकते हैं आज, या 50 पे क्लोज हुआ ये। PICT जो है सर फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 50 रुपए और 70 पैसे पर, इसको थोड़ा सा सफर कर दें, इसको 53 रुपए से ऊपर आने दें, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि फिर इसके अंदर फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं। तो बहरहाल थोड़ा सा जो है वो इसका अगर यहीं पर ही आपने लेना है तो स्टॉप लॉस जो है 43 का स्टॉप लॉस भी आपको लगाना पड़ेगा ये।
हाँ जी अमजद साहब है कराची से, आपने भी टीआरजी बाय किया हुआ है, टीआरजी का रिव्यू सर अभी दे चुका हूँ। टीआरजी जो है फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग है तकरीबन 88 89 तक, फिर 95 तक, तो फिलहाल तो आपके रेट से भी नीचे है ये। उमर साहब है कराची से, आपने लिया हुआ एवीएन और ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं सर एवीएन जब तक जो है वो 57 से नीचे नीचे है, इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑक्टोपस का रिव्यू देते हैं, ऑक्टोपस सर फिलहाल इसको टाइम है चलने में, ऑक्टोपस जब अपना कोई ब्रेकआउट दे दे प्रॉपर तो फिर हम इसको बाय का कुछ कह सकते हैं, अभी तो बिल्कुल यानी कि ये अंडर लो परफॉर्म कर रही है। आज ये आमिर साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने लिया हुआ है एच टी एल लेना चाह रही है, एच टी एल को बिल्कुल सर लिया जा सकता है करंट रेट पर भी, स्टॉप लॉस आप रखें इसका तकरीबन 2500 रुपये का, तो इसको ले लें और टारगेट जो है लॉन्ग टर्म में एच टी एल का प्रॉफिट टेकिंग लेवल होगा तकरीबन 3600 रुपये तक ये। और प्लीज शेयर लिस्ट ऑफ सम स्टॉक विच चले सर, जो अच्छे स्टॉक है वो वीकेंड में कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूँ ये। जी तो तकरीबन जो है ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाब, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबी को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।